26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था। और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें।